हाय गाइस, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि दुनिया में जो बहुत सारे लोगों को चाहिए कट्स, बॉडी में कट्स कैसे आए हैं। जैसे दंगल पिक्चर में आमिर खान के थे, जैसे पागल जवान में फरहान अख्तर के थे, कैसे आए कट्स, कैसे आए। पहले ऐसा है कि कट्स जो आप जिसे कट्स कहते हो ना, जिसमें आपकी मसल की शेप दिखती है, मसल कैसे बन रही है वैसे दिखता है, जिसमें चर्बी कम होती है शरीर में, वो दिखने लगते हैं जैसे जैसे आपके शरीर में चर्बी कम होती है और वो आपको काफ़ी साफ दिखने लगी है। लगभग 10% जब आपका बॉडी फैट होगा ना उसके आसपास, किसी के लिए 10% हो सकता है, किसी के लिए 8% हो सकता है, किसी के लिए 12% हो सकता है। तो जैसे जैसे आपका बॉडी फैट मान लो 20% पे दे, 20% से 15% पे, तो आपके शरीर में थोड़े और कट्स लगेंगे, आपको कट्स आ गए। फिर आप 12% पे आए तो आपको और लगे, अगर आप 10% पे आओ तो लगे अरे कट्स आ गए, फिर 8% पे आओ तो और साफ दिखने लगेंगे। तो जो आपको कट्स दिख रहे हैं ना, वो आपके जैसे जैसे बॉडी फैट परसेंट कम होती है ना वैसे वैसे आते हैं। बॉडी फैट परसेंट क्या होती है अगर आपको ये नहीं पता तो मैंने पुरानी वीडियोज में बात करी, वहाँ जाके देख लो। ये कट्स जैसे जैसे शरीर में फैट कम होता है उससे हमारे दिखने में क्या फ़र्क आता है, इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बात करी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। और जब आप बॉडी फैट परसेंट इतना कम होता है तब आपके एब्स भी दिखने लग जाती है, तो आपके कट्स में वो एब्स भी जुड़ जाती है दिखने में। इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी में कितनी मसल है, अगर आपकी बॉडी में बहुत मसल है या बहुत कम मसल है, इससे आपके कट्स दिखने में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इससे इस चीज़ में फ़र्क पड़ता है कि आपके कट्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। मतलब अगर किसी के शरीर में मसल है ही नहीं या बहुत कम है तो उसका कट लगभग ना के बराबर बनेगा, और किसी के शरीर में बहुत मसल है तो उसका कट 10% बॉडी फैट पे बहुत अच्छा बनेगा। किसी के शरीर में थोड़ी मसल है बहुत ज़्यादा नहीं तो उसका कट बनेगा 10% बॉडी फैट पे, पर देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना ज़्यादा मसल वाले का देखने में मज़ा आएगा वैसे। तो अगर कम मसल है तो भी आपके कट्स दिखेंगे और आपके एब्स भी दिखेंगे। पतला आदमी भी होता है ना, तो पतले आदमी भी अगर आप बिना कपड़ों की बात करो तो पतला आदमी भी कम फैट के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा फैट के साथ में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो ये नहीं कह रहा कि तुम 8% बॉडी फैट कर लो और उठते भी रहो या 10% बॉडी फैट कर लो उठते भी रहो, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती 10% बॉडी फैट पर रहने के लिए साल भर परेशान रहो कि ये खाऊँ ये खाऊँ ये खाऊँ। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि दिखने में एक पतला आदमी भी तब ज़्यादा ठीक लगेगा जब उसके शरीर में फैट कम है, चाहे वो पतला भी लग रहा हो, दिखने में वो बिना कपड़ों के ज़्यादा तब भी अच्छा लगेगा। और वो किसी भी आदमी के साथ है, मोटा आदमी हो तब भी, मतलब जिसके शरीर में मसल ज़्यादा है जिसके शरीर में मसल कम है, दोनों कम फैट के साथ भी अच्छे लगेंगे बिना शर्ट के। पर अगर तुम वो बातें देखो जो तुम्हारी मम्मी कहती होंगी कि अरे जैसे तुम चर्बी कम करो, तुम्हारी मम्मी कहेंगे, तुम्हारे घर वाले कहेंगे, परिवार वाले दोस्त सब कहेंगे अरे अरे कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि वो तुम्हें शर्ट में देखते हैं, कपड़ों में देखते हैं। तो कपड़ों में उन्हें तुम्हारा साइज़ तो कम होगा, तुम वजन कम करोगे तो भले तुम्हारे कट्स आने लग जाए, तो तुम्हें कपड़ों में देखते तो उन्हें लगे अरे यार ये तो पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, तो वो तुम है वो उन्हें तुम कमज़ोर लगने लग जाओगे। तो मस्कुलर कम हो और तुम्हारे शरीर पे काफ़ी फैट है तो तुम शर्ट के अंदर अगर खाते पीते करके रह रहे हो तो तुम दुनिया को काफ़ी अच्छे लगोगे, लेकिन बिना कपड़ों के अगर कम फैट होगा तो ही अच्छे लगोगे। तो ये बताने के लिए था कि कट्स दिखते हैं जब बॉडी फैट परसेंटेज कम होती है तब तुम्हारे कट्स दिखने लग जाते हैं, जब तुम्हारे मसल्स का जो एक शेप बनती है वो दिखने लग जाती है, जिसे लोग कट्स कह रहे थे आम भाषा में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करो, मैं तुमसे अगले वीडियो में।